अब देखिए आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ का टीवी 9 के हाईटेक बस से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप सभी का एक बार फिर से टीवी 9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है, एक और बड़ी हस्ती जो आजमगढ़ में इस वक्त चुनाव मैदान में है, मौजूदा सांसद बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बस वाला। जी हाँ, निरहुआ रिक्शा वाला का तो आपने बहुत देखा है, लेकिन बस पर ऐसा इंटरव्यू इनका, इसीलिए हम आज इनको कह रहे हैं निरहुआ बस वाला। गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। और आजमगढ़ की धरती पे हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि आप आजमगढ़ आए हैं और आप दिखाएंगे हमारी जनता को कि मेरा आजमगढ़ कैसे चमक गया है, कैसे चमक रहा है। ये वो सड़कें हैं जिसको गढ़ गढ़ कह के सपा ने गढ़ा बना दिया था। 10-10 विधायक यहाँ आजमगढ़ ने सपा को दिए, पर वो दसों विधायक आजमगढ़ में अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, उनके गांव की सड़क भी 1.5 साल में हम ही लोग बनाए हैं और पूरे आजमगढ़ को देखिए ऐसा चमका दिया है। अच्छा, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा आप थके हुए, थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं इस बारे में ताकि और अच्छे से बात होगी। आप क्योंकि ज़मीन से जुड़े कलाकार भी हैं और देख भी रहा है, जमीन से जुड़े नेता भी हैं, स्ट्रगल के समय कहीं कोई याद है ऐसे बस पे छत पे बैठ बैठ के गए हों कहीं कुछ शूटिंग का ऑडिशन वगैरह देने कुछ करने? अरे बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग कहीं कार्यक्रम करने गए हैं, हाँ, और कार्यक्रम रात भर हुआ और पता चला कि सुबह पैसा ही नहीं मिला और घर से काफ़ी दूर हैं, अब घर पहुँचे कैसे। तो फिर यही एक रास्ता बचता था कि कोई ट्रक या किसी को हाथ दिखा के उस पर हम लोग बैठ जाते थे और फिर भूल जाते थे कि पैसा वैसा नहीं मिला है और फिर वहीं ढोलक हारमोनियम खोल के छत पे ही पूरा अपना गाते वाते फिर घर पहुंच जाते थे। तो क्यों ना आप भी मूड में हैं, मौसम भी बड़ा मूड में है, कुछ एक मूड बन जाए इस इंटरव्यू का, फिर आगे इंटरव्यू राजनीतिक बात करेंगे, फिल्मी बात करेंगे, लेकिन एक मूड बन जाए। अभी एक बड़ा रोमांटिक मेरा गाना आया है, हाँ, जो सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, हाँ, और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, और वो गाना है, वो मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। जान मर जानो मरून कलर सड़िया, जान मर जानो मरून कलर सड़िया। और चूंकि आजमगढ़ में मुबारकपुर है, हाँ, और यहाँ साड़ी बनती भी है, हाँ, साड़ी के लिए इसको जाना भी जाता है। जी जी जी। और पूरे वर्ल्ड में यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ जाती है, हाँ, तो हम लोग अभी तो इस गाने के ट्रेंड होने के बाद, हाँ, आजमगढ़ में ये भी हम लोग करने जा रहे हैं कि मुबारकपुर में ऐसी व्यवस्था हो, हाँ, कि वर्ल्ड में कहीं से भी कोई अगर मरून कलर साड़ी किसी को चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर करे और हमारा यहाँ का जो बुनकर भाई है वो यहीं से उसको डिलीवरी कर दे, उसको भेज दे। आजमगढ़ में हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे दिख रही है जनता भी बड़ी वाइब्रेंट दिख रही है। आप वो जो छवि है एक निरहुआ रिक्शा वाला की, एक भोजपुरी स्टार की, वो छवि अभी भी आपके पीछे है या आप दिनेश लाल यादव उस छवि से आगे आ गए? नहीं नहीं, अभी भी वो छवि है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था आजमगढ़ में तो एक रिक्शा वाला थे, वो बोले ए निरहुआ रिक्शा वाला यहाँ आओ यहाँ। तो हम गए, हम बोले जी प्रणाम बताइए। बोले अरे यार हम हूँ रिक्शा वाला, तू हूँ रिक्शा वाला। बोले लेकिन भाई तुमको मान गए। हम बोले क्या मान गए? बोले पहले आजमगढ़ की सड़कें ऐसी थी ना कि जब मैं यहाँ रिक्शा खींचता था तो पेट दर्द हो जाता था। अच्छा, लेकिन 1.5 साल में आजमगढ़ की सड़कों को तुमने ऐसा बना दिया है कि दम भी नहीं लगाना पड़ता है, एक ही हाथ से एकदम फरफर फरफर रिक्शा चलता है। तो भाई मान गए कि एक गरीब का दर्द गरीब समझता है। मतलब रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शे वाले से खूब खुश है? बहुत खुश है कि भाई इतनी अच्छी सड़कें बना दिया। जिस आजमगढ़ को इसके पहले जो लोग यहाँ जीतते थे बोलते थे हमारा गढ़ है, हाँ, और इसको पूरा गढ़ ही बना दिए थे, पूरा गड्ढा ही गड्ढा सब रोड पे, हाँ, मतलब कहीं कुछ जगह तो लोग धान रोप देते थे सड़क पे, कितने लोग बात कर रहे हैं, हाँ, कि देखो भाई ये सड़क कहाँ है, धान रोपाई कर देते थे। उन सड़कों को भी हम लोगों ने चमका दिया 1.5 साल में, इसलिए रिक्शा वाला भी खुश है, बस वाला भी खुश है और आम जनता भी खुश है। नहीं लेकिन आप पॉलिटिक्स में नए नहीं रह गए, आप हो गए ठीक ठाक पुराने। पहला प्यार क्या है निरहुआ रिक्शा वाला का, फिल्म या राजनीति? मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा प्रेम जो है वो मेरी जनता है और मैं जो भी करता हूँ अपने जनता के लिए करता हूँ। मैं राजनीति में आने के बाद अपनी फिल्में नहीं छोड़ा, मैं इसी आजमगढ़ में 1.5 साल में 8 फिल्में बनाया हूँ। और जो लोग कहते थे कि अरे हीरो है जीतेगा तो भाग जाएगा, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मुंबई को आजमगढ़ में लेके आऊँगा। और वही मैंने किया,
आजमगढ़ में रह के मैं अपनी भी फिल्म बनाता हूँ, मेरे दोस्तों को भी यहाँ बुलाता हूँ, तो मेरी 8 बनी, बाकी लोगों की 22 फिल्में बन गई। अच्छा, आजमगढ़ में आपने 8 फिल्में बनाई? आजमगढ़ में मेरी 8 बनी। ओके। और कुल मिला के 22 फिल्में बनी ऑन रिकॉर्ड। तो आजमगढ़ में किसी भी फिल्म सिटी से ज्यादा फिल्में बनने लगी। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है, जहाँ हम फिल्म बनाते हैं वहीं अपना ऑफिस लगाते हैं, वहीं कंप्यूटर लग जाता है, जनता आती है, फिल्म शूटिंग भी देखती है, और उनको सड़क चाहिए, उनको पुल चाहिए, उनको दवा के लिए पैसे चाहिए, क्या चाहिए, बोल रहे हैं आपको, उनको जो भी चाहिए वो भी हम वही टाइप करते हैं लेटर, और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिस विभाग को। मतलब फिल्म भी चल रही है, राजनीति भी चल रही है, दोनों एक साथ चलती है, बात है। और इसीलिए हम लोग यहाँ सफल हो पाए।